हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल हिमालवी। आप लोग भी सोच रहे होंगे किसको देख लिया इस चैनल पे, किसकी शक्ल देख ली। तो वेल, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है राकेश, मैं हिमा का हस्बैंड और लवी का फादर हूँ। तो फ्रेंड्स, आप डांस वीडियोस और ट्यूटोरियल्स तो देखते रहते होंगे, पर आज हम एक्चुअली बहुत टाइम बाद, मतलब बहुत टाइम क्या, बहुत सालों बाद हम थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन जा रहे थे थोड़ा घूमने। एग्जैक्टली मसूरी जा रहे थे हम लोग ना, तो हमने सोचा चलो थोड़ा ब्लॉग टाइप एक वीडियो लेके आए आपके लिए। तो थोड़ा आपको भी हमारे फैमिली के बारे में जानने को मिल जाएगा, प्लस थोड़ी घूमना फिरना हो जाएगा। आप लोगों को हम अपने साथ लेके चलते हैं। कौन घुमा रहा है? लवी, चलो चलो चलो। सोनी है बिठिए, नी उठ, नी पहुंचो, उठ जा, नी तू मेरी खंड में श्री लगे जान तो प्यारी नी। अरे यार बिठिए ले पानी वाले। कोई बात नहीं, थोड़ा नहा के फ्रेश हो जाओगे ना, फिर थोड़ा अच्छा लगेगा। पैर दो यार। नाश्ता आ चुका है। क्या? ये देख लो फ्रेंड्स, लवी कितनी मुश्किल से नहा रहा था। नीचे नीचे। तो फ्रेंड्स, हमने कुछ जैकेट्स भी ले लिए हैं, क्योंकि सुना है कि वहाँ मसूरी में काफ़ी ठंड होएगी, तो जैकेट भी रख लेते हैं। तो लगेज हमारा तैयार है। लवी को बोलते हैं मत उठा, फिर भी उठा के रख रहा है। चलो लवी। अरे रुक जा, एक बात स्पीकर नहीं लेके जाना, रखो इसके अंदर, नहीं ये आगे रख देते ना। और कुछ है आपके पास? ये भी नहीं, बॉटल आगे रखना। तो फ्रेंड्स, कुर्सी की पेटियां बन चुकी है। लवी आप भी पीछे होकर बैठो। चलो अबे यार, बैठे ही क्यों, खड़े हो रहे, बात भी कर रहे। फर्स्ट टाइम असी अद्दा बाहर जा रहे हैं और व्लॉगिंग करते हैं, लोकल तो असी घूमते रहते हैं। बट कभी हम चंडीगढ़ के बाहर तो गए हैं, बट बहुत कम चांसेस है कि हम गए चंडीगढ़ के बाहर। तो फाइनली हम आज जा रहे हैं एक स्पेशल दिन पे। पापा जी ने तो कभी बताया नहीं, फिर हम जाएंगे वाटर पार्क और काफ़ी मज़े करेंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह के 6 बज रहे हैं, 5:55, और हमने मसूरी का लगा लिया है मैप। यह दिखा रहा है हमको 4 घंटे, और मतलब टोटल 5 घंटे लगा लो, 206 किलोमीटर है। तो देखते हैं कितना, इसलिए थोड़ा ना हम लोग जल्दी निकले, क्योंकि अभी पता नहीं रास्ता कैसा होगा, तो ट्रैफिक तो थोड़ा कम मिलेगा। देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। चलो चंडीगढ़ दे नजारे आने पट्टिया, किसी लक दे हुलारे आने पट्टिया। चंडीगढ़ दी सड़कां देखो किनिया सोहनिया। जब करोना आया सी ना, फॉरन तो घट नहीं लगता सी साडा चंडीगढ़, बट हुण भी नहीं घट, ठीक है। गड्डी विच थोड़ा जिहा शीशा इहदा हैगा दाग जिहा, बाकी बहुत सोहना लग रहा सवेरे सवेरे, है ना। तो कर रहे इधर डायरेक्टर साहब ड्राइविंग। ऐसा है कि अभी ये जो व्लॉग है ना, ये जो हम लोग बना रहे हैं, ये आपको मिक्स लैंग्वेज में सुनने को मिलेगा। मैं हिंदी बोलता हूँ, मैडम पंजाबी बोलते हैं, तो ये डुअल लैंग्वेज में आपको सुनने को मिलेगा, क्योंकि हम लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं। मैं कंफर्टेबल हूँ हिंदी में, और लवी किस में कंफर्टेबल है? हिंदी। चलो ठीक है। हिंदी महकमा तो इधर हैगा पंजाबी महकमा, तो पंजाबी महकमे की गल इस तरह है कि मेरे घर के जेड़े है ना, असी रहे चंडीगढ़ हैं, बट साढ़े पंजाबी ही बोलते हैं मोस्टली, तो मैं जो बोल चल के गल करके खुशी होंगी वो पंजाबी ही होंगी है। तो जी हाँ दोस्तों, असी पंचकूला क्रॉस कर चुके हैं, पौंटा साहब लिए असी हाईवे पकड़ चुके हैं। फस्ट टाइम इधर असं पहला भी आए थे टक्करताल, है ना, मोरनी हिल का भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उन्होंने देखते ही मद्देनज़र रखते हुए सानू यह आया कि असं हिल स्टेशन पर जाइए, दैन इंजॉय करिए, है ना। टक्करताल भी चंडीगढ़ के जी नियर जो रेंदे हैं लोग, है ना, वो एक दिन का जोड़ा ट्रिप है अपना टक्करताल का कट सकते हैं। वो एक लेक हैगी है, पिकनिक स्पॉट है, तुम बैडमिंटन बच्चों आराम खाना वाना बना के लैके आ सकते हो, तो लोंग ड्राइविंग और लेक इंजॉय कर सकते। 50 पोंटा साहब कहाँ से, आगे से है ना? ये साहब मेरा राइट, इधर सीधा ना? हाँ जी, सीधा ही है। ये ना
फ्रेंड्स, अभी हम ये पौंटा साहिब वाले सड़क पे आ चुके हैं। ये काफ़ी तंग सड़क है, जो पहले यमुना नगर वाली सड़क थी वो हाईवे जो था वो बढ़िया था, बट यहाँ काफ़ी बड़े बड़े ट्रक चल रहे हैं और सड़क भी कहीं कहीं टूटी हुई है। तो जी दोस्तों, पहाड़ी रस्ता जिहड़ा है शुरू हो चुका है, तो सानू पहाड़ों की गाने कुछ कुछ याद आ रहे हैं, है ना। तो मैं तुहानू एक फनी जिहा गाना सुनानी हाँ पंजाबी। देना वाली छतरी ते मैं कबूतरी नू रख लै बिठा के, चित करे अंबरा ते लावा डारियां वे खंभ चुन्नी दे बना के। तुसीं मेरी रील्स देखी होनी आ, ये गाने जिहड़े मैनूं बहुत अच्छे लगते हैं, बलकार मनजिंदर अंकीला दे, ते बहुत ही वधिया हुंदे आ, है ना। ते बस मैनूं इहो जिहे गाने पसंद है, मतलब फनी इंजॉय करन वाले। ये भी म्यूजिक सीगा टन 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 टन। तो फ्रेंड्स, पौंटा साहिब अराउंड 15-20 किलोमीटर यहाँ से, और जो वो सड़क पिछली आई थी ना जहाँ से हम लोग आए थे, थोड़ी ख़राब थी वो, 20-25 किलोमीटर की सड़क थी। उसके बाद फिर अभी ये काफ़ी अच्छा स्ट्रेच है, तो यहाँ चलाने का मज़ा आ रहा है। मेरे को लग रहा था कि वही घुमावदार सड़क होगी, पर ये सड़क अच्छी है, पौंटा साहिब तक तो बढ़िया होने वाली है। आगे जब देहरादून की सड़क पे हम उतरेंगे तो फिर देखते हैं कैसी है वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल तो बढ़िया है, देखिए नज़ारा वहाँ को। इतने भी कणक चलते पे ना प्रोग्राम जहा साहब आ चुका है, और ये जो बस हमारे पीछे एक हॉर्न मार रही है, ये पता नहीं कब से पीछे लगी हुई है हमारे, और हॉर्न मारती है फिर पीछे रह जाती है। अब ये हम सोच रहे हैं चलो इसको जाने देते हैं। पौंटा साहब ये एक्चुअली ना ये यहाँ एक बहुत फेमस गुरुद्वारा है गुरु गोविंद सिंह जी का, वो यहाँ कई साल रहे थे, तो काफ़ी फेमस है ये पौंटा साहब, गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर गुरुद्वारा जो है। तो देखते हैं अगर हमें यहाँ से उसका नज़ारा मिलता है कि नहीं, वहाँ जाएंगे तो नहीं हम, क्योंकि हम जहाँ जा रहे हैं तो वहाँ लेट हो जाएंगे, तो अगर दिखता है बीच में कहीं तो ज़रूर एक छलकी देखना चाहेंगे गुरुद्वारे की। मैं ना मसूरी की आदत होगी पचपूड़ी बोलने की। हाँ, पचपूड़ी सॉन्ग है। ये है पौंटा साहिब गुरुद्वारा, गुरु गोबिंद सिंह जी का बड़ा फेमस गुरुद्वारा है, यहाँ से बढ़िया नज़ारा आ रहा है इसका। फ्रेंड्स, ये है IMA, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून। क्या बात है, देखिए ये अपनी इंडियन मिलिट्री एकेडमी का मेन गेट, क्या बात है। जय हिंद। तो फ्रेंड्स, अभी हमने देहरादून क्रॉस किया है, अभी ठीक से देखना ट्रैफिक ना आ जाए। तो अभी हमने देहरादून क्रॉस किया, और देहरादून तक तो रास्ता ठीक था, बट उसके बाद इतना ट्रैफिक, एक डेढ़ घंटा देहरादून ही लग गया हमको, तो अभी हमने थोड़ा ब्रेक लिया यहाँ। तो फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ कैफ़े में आके रुके हैं, एक यहाँ का नज़ारा देखिए आप, बढ़िया। अभी तो गाड़ी में बैठे बैठे बोर हो गया था, बुक पढ़ रहा है। वाह, ख़त्म कर दी आपने बुक? अभी शुरू ही की है ना। हाँ जी फ्रेंड्स, नाश्ता कर चुके हैं, ब्रंच, अभी हम निकल रहे हैं। तो फिर क्या हो गया, चलिए बैठिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ से अभी लवी जाएगा, रोप वे के थ्रू जाएंगे लवी। नहीं नहीं जाएगा, बस कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। देखो 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 देखो, ये भैया बैठा है। हाँ, वो मसूरी, वो लिखा है मसूरी ना, वो आज से लिखा हुआ है, आई लव मसूरी। अच्छा, ये गार्डन में ये वाटरफॉल बस। तो फ्रेंड्स, यहाँ भट्टा फॉल पे तो लवी और हेमा मस्ती कर रहे हैं, देखो इतना बढ़िया वो भट्टा फॉल। ध्यान से वहाँ बैठ जाओ आराम से।
फ्रेंड्स अभी तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं। ये देखो तो होना प्यार है लवी, ज़्यादा आगे नहीं आना। ओए ओए फ्रेंड्स, ये है भट्टा फॉल। आपको मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही पता नहीं, आने के बाद देख लीजिए कितनी है। ये देखो लवी, फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं मसूरी लेक, यहाँ से 200 मीटर की ढलान है, मसूरी लेक जाकर देखते हैं। फिश स्पा, ये है मसूरी लेक का छोटी सी झील है। ये देखो यहाँ पे गोलगप्पे, चटनी चटनी ये चटनी है। ये देखो पानी भी है ना, पानी के साथ ट्राई करो। तो फ्रेंड्स असी मसूरी लेक देख के आ चुके हैं, तो हुण असी जा रहे हैं होटल की तरफ, तो थोड़ा जा ही रस्ता है इहदे विचों, तो जावांगे आइसक्रीम खा रहे आनंद माण रहे। नीचे तुसीं देख ही रहे हो कि लेक चल रही है, इस पास से बदल आ गया सी, बहुत सोहना व्यू है। नीचे असी गोलगप्पे खाधे है ना, तो असी रगड़े होया काम, पहले गोलगप्पे खाधे, फिर असी फ्रूट चाट खाती, फिर असी आइसक्रीम ते आए, तो बस हुण थोड़ा खा पी के नानस फिर गड्डी च बन्ने, फिर होटल च मिलते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली हम अपने होटल के रूम में पहुंच चुके हैं। लवी ने सांस ली, कह रहा था कब पहुंचेंगे हम, कब पहुंचेंगे। तो फ्रेंड्स अभी हम थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट लेंगे, 5 बजे हैं, रिफ्रेशमेंट्स लेके देखते हैं मॉल रोड है यहाँ, घूमने जाएंगे फिर आपको बताएंगे। और व्यू देखिए, क्लोज ये देख लो माल रोड का हाल। फ्रेंड्स माल रोड का तो हाल बहुत ख़राब है, सड़कें रिपेयर हो रही हैं और चलने में भी मुश्किल हो रही है हमको। सो ये शॉप्स वगैरह तो बढ़िया हैं यहाँ, ना ओनली रोड की दिक्कत है। अब बाप रे, सारी मरम्मत आज ही हो जाएगी सड़क की। वाह क्या मॉल रोड है, चलो 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 बढ़ते रहिए आगे, नीचे देख के आगे बढ़ते रहिए। ओए हो कोई रख दो। तो फ्रेंड्स फाइनली हम माल रोड घूम के आ चुके हैं अपने रूम में, लवी थक चुका है अभी सोना चाहता है, नहीं लवी और घूमने बस। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के दिन के लिए इतना ही था, कल देखते हैं हम कहाँ क्या आइटनरी बनाते हैं, तो आपको बताएंगे ज़रूर। ठीक है जी, मिलते हैं कल, बाय।